आंशिक उद्देश्यों के भावात्मक आयाम। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉग्निटिव डोमेन की बात पढ़ी थी, कॉग्निटिव डोमेन को पढ़ा था जो कि ब्लूम ने दिया है, और ब्लूम की टीम में रैथवोल भी थे, उनका नाम आप पहले भी जान चुके हैं, जिन्होंने रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी 2001 में दी, उन्होंने ही इफेक्टिव डोमेन दिया है। ठीक है, दिया था। तो हम इसमें बात करेंगे कि इफेक्टिव डोमेन के कौन से चरण हैं और इफेक्टिव डोमेन के कौन से एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये जान लें कि कॉग्निटिव डोमेन जैसे कि संज्ञान की बात करता है, वो ये बात करता है कि हमें कोई कंसेप्ट किन चरणों से होकर हमको समझ में आता है, कि पहले हमको नॉलेज उसकी होती है, फिर हम उसका बोध करते हैं, फिर हम उसको प्रयोग करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो इफेक्टिव डोमेन का मतलब है कि हम कैसे किसी कंसेप्ट को, किसी भाव को, किसी कंस्ट्रक्ट को भाव में लाते हैं, अपने भावात्मक, है ना, कि हम उसको कैसे समझते हैं, किस लेवल तक समझते हैं। तो ये समझने वाली बात है, जो इमोशंस वाली बात है, जो एक्सप्रेशन वाली बात है, वो इफेक्टिव डोमेन का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो इफेक्टिव डोमेन की भी चरणबद्ध है, मतलब हायरार्कियल है ये भी कॉग्निटिव डोमेन की तरह। तो हम ये जान लेते हैं कि कौन से चरण हैं इसके। ठीक है, इसके चरण हैं, स्टेजेस ऑफ इफेक्टिव डोमेन की बात हो रही है, और कैरेक्टराइजेशन, ये बीच में मिस हो जा रहा है, पीछे चला जा रहा है मुझसे, रिसीविंग, रिसीविंग कैरेक्टराइजेशन। आपके पास ये वीडियो है, आप इसको पुराना करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें तो आ जाएगा, ये है इनके पांच चरण, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन। तो रिसीविंग का क्या मतलब है, कि रिसीविंग का मतलब कि हम कैसे किसी भाव को ग्रहण करते हैं, रेस्पॉन्डिंग का मतलब हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, मतलब कैसे अनुक्रिया देते हैं अपनी उस पर, वैल्यूइंग का मतलब कि हम उसका मूल्य कैसे समझते हैं, कितना समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि वो कैसे हमारे उसको हम संगठित कर लेते हैं अपने भाव में, और कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है चरित्रगत बन जाता है, हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाता है। ठीक, तो ये पांच सिर्फ हैं चरण हमको याद रखने हैं, रिसीविंग, रेस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन। पहले समझ, रिसीव करना, फिर रेस्पॉन्ड करना, फिर वैल्यू समझना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, और फिर कैरेक्टराइज कर लेना। ओके, तो एक एक करके और रेस्पॉन्डिंग, यही पहले समझिए। रिसीविंग क्या है, अटेंडिंग टू न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो न्यू सूचना आपको मिल रही है, नई नवीन सूचना मिल रही है, उसको हम कैसे अटेंड कर रहे हैं, जैसे सिर्फ अटेंड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को सिर्फ आप देख रहे हैं, देखने पर आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, रिएक्ट किया, नहीं किया, उससे मतलब नहीं। सिर्फ अगर आपने देखा है तो आप किस लेवल के हैं भावात्मक आयाम की, रिसीविंग। लेकिन देखने के बाद अगर आपने प्रतिक्रिया भी दी है कि आपको अच्छा लगा, समझ में आया, नहीं समझ में आया, कम समझ में आया, ज़्यादा समझ में आया, तो आप रिस्पॉन्ड करें, जैसे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन और इंटरैक्टिंग विद द इंफॉर्मेशन। ठीक, तो जैसे क्या हो सकता था कि जैसे मान लीजिए इस वीडियो में आपसे कुछ एक्टिविटी भी कराई जाए, आपका असेसमेंट भी किया जाए, बीच बीच में क्विजेस पूछे जाएँ आपसे, अगर आप उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इसका मतलब कि अब आप कौन से लेवल पर पहुँच गए, रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग का मतलब सीइंग वर्थ इन न्यू इन्फॉर्मेशन, वर्थ इन न्यू इन्फॉर्मेशन का मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन या सूचना हमको मिल रही है, हमको उसमें मूल्य दिखाई दे रहा है, मतलब हमको लग रहा है कि हमारे काम की चीज़ें हमको पढ़ना चाहिए, हमको समझना चाहिए, ये हमारे एग्जाम का है, सिलेबस का, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। या कोई भी भाव जब आपको मिल रहा है, आपको सूचना मिल रही है, तो आपको अगर लग रहा है कि वो भाव महत्वपूर्ण है, उसमें कोई मूल्य है, वर्दी है, तो आप उसको क्या करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि फिटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग एंड डिसाइडिंग हाउ द न्यू इन्फॉर्मेशन मेक्स सेंस फॉर यू। फिटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा का मतलब देखिए, फिटिंग द न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा का मतलब कि हमने पियाजे की थ्योरी में स्कीमा पढ़ा है। स्कीमा का मतलब कि आपके दिमाग में, आपके कॉग्निशन में, आपके ब्रेन में किसी भी कंसेप्ट का, कंस्ट्रक्ट का एक मेंटल इमेज होती है ना, उसी को स्कीमा कहते हैं। तो हमको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा यानी कि पहले से हमारे दिमाग में है, उसमें हम कैसे फिटिंग कर रहे हैं, कैसे उसको फिट कर रहे हैं, एंड डिसाइडिंग हाउ द न्यू इन्फॉर्मेशन मेक सेंस फॉर यू,
यानी कि, और ये सुनिश्चित करना कि ये नई सूचना कैसे हमारे लिए सेंसिबल है, मतलब कैसे भी तरह से फिट नहीं कर देना है, सेंसिबल तरीके से फिट करना है। और कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन मेकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन, मेकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन, एक मिनट, कोई बात नहीं, मेकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, ये कह रहा है मेकिंग द न्यू इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ योर स्कीमा एंड एग्जिबिट इन योर बिहेवियर, एटीट्यूड एक्सेट्रा। वो आपको ये लिंक दे दूंगी, आप इसको देख लीजिएगा। ये मेकिंग द न्यू स्कीमा, जो हमने नया स्कीमा जो हमें फिट इन किया, ऑर्गेनाइज किया, वो हम कैसे हमारे चरित्र का यानी बिहेवियर, व्यवहार और एटीट्यूड का अगर हिस्सा बन गया, तो हमने क्या हुआ, चरित्र निर्माण वाली स्टेज पर हम आ गए। यानी कि कौन सी पांच स्टेज है, रिसीविंग है, वैल्यूइंग है, और ऑर्गेनाइजेशन है, और कैरेक्टराइजेशन है। रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, मेकिंग द न्यू स्कीमा पार्ट ऑफ योर कैरेक्टर, ठीक। और लास्ट में हम बात रिसीविंग के लिए कौन से एक्शन वर्ब है, आस्क, डिस्क्राइब, चूज और रिप्लाई। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि ये जो एक्शन वर्ब है, ये जितने भी चरण हैं इनमें ये आपस में ओवरलैप कर सकती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो रिसीविंग में आ रहा है वो रिस्पॉन्डिंग में नहीं आएगा, जो रिस्पॉन्डिंग में आ रहा है वो वैल्यूइंग में नहीं आएगा, सब आपस में ऊपर नीचे ओवरलैपिंग यानी कि लूज इनके बॉन्ड्स हैं। और सिर्फ एक्शन वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर टेंस में ये मान के चलते हैं कि छात्र ये सीख लेगा। तो अगर हम भावात्मक आयाम उस पर तय करने जा रहे हैं, सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद आप क्या सीख लेंगे, तो अगर आप सिर्फ ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ इफेक्टिव डोमेन, या आप ये सिर्फ डिस्क्राइब कर पा रहे हैं व्हाट इज़ इफेक्टिव डोमेन, तो आपने क्या किया, इसको सिर्फ रिसीव किया है। तो डिस्क्राइब से हमको पता चल रहा है कि आपने इसको सीखा है कि नहीं सीखा है, यानी कि व्यवहार आपका कैसे जांचेंगे, व्यवहार जांचने के लिए जो वर्ब्स इस्तेमाल की जाती है उसको हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इसी तरह से कॉग्निटिव में भी होता है, इसी तरह से साइकोमोटर में भी होता है। तो रिसीविंग के लिए ये हो गए, इन्फॉर्म, डिस्कस, लेबल, सेलेक्ट, यानी मानना, डिस्कस करना मतलब विचार विमर्श करना, लेबल करना मतलब उसको अनुसूचित करना, सेलेक्ट करना मतलब चुनना, डेमॉन्स्ट्रेट, डिफ्रेंशिएट, प्रपोज और वर्क, ठीक है। ऑर्गेनाइज जानते हैं आप, डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब वर्णन करना, डिफ्रेंशिएट विभेद करना, अंतर करना, वर्क काम करना, प्रपोज अपना कुछ बताना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सॉरी, ऑल्टर्स, अरेंजेस, मॉडिफाइज और सिंथेसाइज। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उनको क्या है, संगठन करना है, एग्जिस्टिंग स्कीमा में फिट इन करना है, इसलिए ऑल्टर यानी बदलना है, अरेंज व्यवस्थित कर रहे हैं, मॉडिफाई उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, सिंथेसाइज उसका संश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेट, इन्फ्लुएंस, मॉडिफाइज और वेरीफाइज, ठीक, डिस्क्रिमिनेट, इन्फ्लुएंस, मॉडिफाइज एंड वेरीफाइज, ओके, ये रहा डिस्क्रिमिनेट, इन्फ्लुएंस, मॉडिफाइज एंड वेरीफाइज, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, इफेक्टिव डोमेन। तो हम लोग ने अभी तक बात करी कॉग्निटिव डोमेन की, इफेक्टिव डोमेन की, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम साइकोमोटर डोमेन की बात करेंगे। तो कॉग्निटिव डोमेन में जब हम संज्ञान की बात कर रहे थे, लेकिन इफेक्टिव डोमेन में हम भाव की बात कर रहे हैं। ये भी चरणबद्ध तरीके से चलता है जैसे कॉग्निशन का चलता है। कॉग्निशन में 6 स्टेजेस हैं, लेकिन यहाँ पे 5 हैं। वहाँ पर 2 बार, एक बार उसका रिवीजन हो चुका है, पर इसमें अभी रिवीजन नहीं हुआ है। इसको किसने दिया है, रैकोल ने दिया है, 1964 में दिया है, जबकि उसकी पहली वाली ओरिजिनल आई थी 1956 में ब्लूम्स इकोनॉमी, और रिवाइज वर्जन आया 2001 में, ठीक है। और चरण आप याद कर लीजिए, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टराइजेशन, ये इसकी एक्शन वर्ब है, ठीक है।